हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस हम पर डे अपलोड करते जाएंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये ऐसा टॉपिक है जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क कई समय से हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज के इस AI के जनरेशन में स्मार्ट वर्क एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चों को कोई बात बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, हम उन्हें एक्चुअल में क्या कहते हैं कि आप पढ़ाई के रूप में लर्निंग कर रहे हो, आप लेसन को रीड कर रहे हो, लेसन को लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। बट एक्चुअली आप भी बताइए, कोई भी चीज़ जब हम लर्न करते हैं कितने समय तक हमारे पास रहती है ना? तो इसीलिए आज के जनरेशन में, आज की पढ़ाई में स्मार्ट वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सा दिमाग, इतनी सारी क्या क्या चीजें अपने दिमाग पर बिठा के रखेगा, बट अगर उसको स्मार्ट वे में प्रेजेंट किया जाए और स्मार्ट वे में अपने आप के अंदर उस नॉलेज को गेन किया जाए तो वो काफी ज्यादा समय तक रहता है। जिस प्रकार, जैसे हम फोनिक्स की भी बात करते हैं, पहले हम फोनिक्स में हार्ड वर्क करते थे, है ना, और आज हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क। जैसे कि लैंग्वेज में हमने कैट बैट मैट रैट सैट की स्पेलिंग्स 100 times मल्टीपल टाइम्स लर्न करी, आपने और हमने सबने लर्न करी। बट आज हम बच्चों को बेसिकली क्या सिखाते हैं, उनके साउंड्स क ए ट। तो अगर बच्चे को हम क ए ट बोलते हैं तो उसके दिमाग में अपने आप वो चीज प्रेजेंट हो जाती है कि क जब आएगा तो सी लिखना है, ए जब आएगा तो ए लिखना है, ट जब आएगा तो टी लिखना है, राइट। सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसी वे में अगर हम बात करते हैं कि किसी भी चीज का स्मार्ट वर्क अगर हमें करना है तो उसके पॉइंट्स बना लें, है ना, और पॉइंट्स बनाने के बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, तो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स को लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बच्चों को सिखाने और समझाने वाली बात। अगर हम हमारे लाइफस्टाइल में स्मार्ट वर्क को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो इस प्रकार होगा कि एक अलग नजरिए से सोचिए, मतलब सोचने का और देखने का नजरिया बदलें। हर एक व्यक्ति का देखने और सोचने का नजरिया सेम होता है। बच्चे ने पूरी पढ़ाई करनी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, नौकरी करनी है, नौकरी करके पैसे कमाना है, नौकरी करके पैसे कमाएगा, अपना खुद का परिवार चलाएगा। बट अगर वो स्मार्ट वे में सोचेगा तो वो ऐसा सोचेगा कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को डेवलप करना है, बिकॉज आज मार्केट में स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, पर स्किल्स नहीं है, और अगर कोई स्किल्स नहीं है तो आप उसको स्मार्ट वे में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और अगर स्मार्ट वे में चीजें प्रेजेंट नहीं हो रही हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन अगर आप AI का यूज करके स्मार्ट वे में पावर पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं तो आप स्किल का यूज कर रहे हैं, वो 1 घंटे का काम आप 2 मिनट में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा स्किल्स आपके पास डेवलप होंगी उतना ज्यादा आप स्मार्ट रहेंगे और आप स्मार्ट वे में अपने काम को प्रेजेंट करेंगे। स्मार्ट वे में अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं, और अपने आप को इंटेलेक्चुअली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 चीज जब आपके सामने हैं तो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर सक्सेस को अचीव करना है तो हार्ड वर्क तो करना ही है, पर स्मार्ट वे में करना है। मतलब रास्ता अगर ऐसे जा रहा है तो क्यों ना उस रास्ते को थोड़ा सा इस तरीके से भी जाके देखा जाए। तो इसलिए स्मार्ट वे में काम कीजिए। सो हार्ड वर्क शुड बी इन अ स्मार्ट वे, एंड दैट इज वर्क अपॉन द स्मार्ट वर्क, यूज AIs यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मिक्स विथ नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिक्स हो जाए तभी हम उसे कहेंगे स्मार्ट वर्क। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को समझाने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये चीज काफी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको इंस्पिरेशनल वीडियोस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो अगेन।